दोस्तों कुछ वेब सीरीज इतनी एंगेजिंग होती है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद उसे बिना खत्म करे हम रह नहीं पाते। और आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो थ्रिलर से भरी हुई है। और इन सभी वेब सीरीज में एक चीज कॉमन है कि इन सभी वेब सीरीज में आपको एक ऑपरेशन या मिशन देखने को मिलता है जो हमें तब तक हुक करके रखता है जब तक मिशन कम्प्लीट ना हो जाए। इस लिस्ट को हमने अरेंज किया है इसकी IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर टेन पर आती है बार्ड ऑफ ब्लड। वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है एक्स रॉ एजेंट कबीर आनंद से, जिसे एजेंसी में वापस बुलाया जाता है बलूचिस्तान में फंसे 4 रॉ एजेंट को रेस्क्यू करने के लिए। और साथ ही पूरी वेब सीरीज में एक सस्पेंस बना रहता है कि उनकी एजेंसी में कोई मोल है। वो मोल कौन होता है ये तो आपको वेब सीरीज में ही पता चलेगा। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर पर। टोटल 7 एपिसोड के साथ है ये वेब सीरीज, जिसे IMDb रेटिंग देती है 7 out of 10 और इसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर नाइन पर आती है द स्पाई। वेब सीरीज ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जो हमें कहानी दिखाती है इसराइल के सबसे फेमस स्पाई एली कोहेन की, जिन्हें सीरिया में इन्फिल्ट्रेट किया जाता है या कह सकते हैं उन्हें सीरिया भेजा जाता है वहाँ के लोगों के बीच रहकर वहाँ अच्छे कनेक्शन बनाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन इसराइल को देने के लिए, ताकि इसराइल कभी भी होने वाले काउंटर अटैक के लिए तैयार रहे। इसी स्टोरी पे बनाई गई है ये कंप्लीट वेब सीरीज। वेब सीरीज बेस्ड है स्पाई ड्रामा और हिस्ट्री पर। टोटल 6 एपिसोड के साथ है ये वेब सीरीज। वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 7.9 out of 10। आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर एट पर आती है द लूमिंग टावर। दोस्तों ऐसी कई मूवीज और वेब सीरीज है जिसमें हमें टेरर अटैक दिखाया जाता है, पर बहुत कम ऐसी मूवीज और वेब सीरीज है जिसमें उस अटैक के पीछे की पूरी कहानी दिखाई गई हो। और ये वेब सीरीज उन्हीं में से एक है जो हमें US में हुए 9/11 अटैक के पीछे की पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे उस अटैक को 10 साल पहले ही प्लान कर लिया गया था, पर CIA और FBI के बीच अच्छे रिलेशन ना होने की वजह से वो उसे पता लगाने में चूक गए थे। इसी स्टोरी पर बनाई गई है ये कंप्लीट वेब सीरीज। वेब सीरीज बेस्ड है हिस्ट्री और ड्रामा पर। टोटल 10 एपिसोड के साथ है वेब सीरीज। वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 8 out of 10, जिसे आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ Amazon Prime पर देख सकते हैं। नंबर सेवन पर आती है बॉडीगार्ड, जो कि एक ब्रिटिश टीवी सीरीज है जो हमें कहानी दिखाती है वॉर वेटरन डेविड बट की, जो एक वॉर के बाद से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं और अब उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है जहां उन्हें असाइन किया जाता है होम सेक्रेटरी की प्रोटेक्शन के लिए, जिसे डेविड बट पास्ट में हुए एक वॉर का जिम्मेदार मानते हैं, पर फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। जिसके बाद होम सेक्रेटरी पे कई सारे अटैक होते हैं, उन अटैक के पीछे कौन होता है ये तो आपको वेब सीरीज में ही पता चलेगा। दोस्तों वेब सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज बेस्ड है पॉलिटिकल क्राइम और थ्रिलर पर। टोटल 6 एपिसोड के साथ है वेब सीरीज। वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 8.1 out of 10, जिसे आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर सिक्स पर आती है जैक रायन। वेब सीरीज टॉम क्लैंसी की बुक के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है CIA ऑफिसर जैक रायन से, जो एक मिशन के दौरान हुए हादसे की वजह से अब डेस्क जॉब करते हैं, जहां वो बाहर की कंट्रीज से हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेररिस्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं। वेब सीरीज के 2 सीजन है और दोनों ही सीजन में आपको अलग अलग मिशन देखने को मिलता है और इसका 3rd सीजन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमें। वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। सीरीज बेस्ड है एक्शन ड्रामा और थ्रिलर पर। वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 8.1 out of 10 और इसे आप हिंदी में Amazon प्राइम पर भी देख सकते हैं। नंबर फाइव पर आती है स्टेट ऑफ सीज 26/11। वेब सीरीज मुंबई में हुए 26/11 अटैक के ऊपर बनाई गई है, जहां पहली बार हमें मुंबई पुलिस के साथ साथ इंडियन स्पेशल कमांडोज की टीम ब्लैक टोर्नाडो की भी साइड बहुत ही बारीकी से दिखाई गई है कि कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान से उन टेररिस्ट को खत्म करते हैं। और इस वेब सीरीज में जर्नलिज्म का भी एक कड़वा सच दिखाया गया है कि कैसे कभी कभी जर्नलिज्म देश के लिए खतरनाक हो सकता है। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर पर। टोटल 8 एपिसोड के साथ है वेब सीरीज, जिसे IMDb रेटिंग देती है 8.1 out of 10 और इसे आप डायरेक्टली Zee5 पर देख सकते हैं। नंबर फोर पर आती है फौदा। दोस्तों इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर प्ले किया है लियोर राज ने, जो खुद इसराइल के डिफेंस फोर्स में रह चुके हैं और उन्होंने ही क्रिएट भी किया है इस वेब सीरीज को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो हमें कहानी दिखाती है डोरोन की, जिसे रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग जो टेररिज्म मर चुका था वो असल में जिंदा है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। और फिर क्या क्या होता है उस मिशन के दौरान ये तो आपको वेब सीरीज में ही पता चलेगा। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर पर। टोटल 3 सीजन के साथ है वेब सीरीज, जिसे IMDb रेटिंग देती है 8.2 out of 10 और इसे आप इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर थ्री पर आती है होमलैंड, जो कि एक अमेरिकन टीवी सीरीज है, जिसकी कहानी शुरू होती है CIA ऑपरेटिव कैरी मैथिसन से, जिसे शक होता है कि निकोलस ब्रेडी, जो कि एक US मरीन सर्जेंट है जिसे 8 साल बाद रेस्क्यू किया गया है, वो अब अलकायदा के लिए काम करता है। दोस्तों वेब सीरीज में हमें मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको लंबी सीरीज पसंद है तो ये मस्ट वॉच वेब सीरीज आपके लिए। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम ड्रामा और थ्रिलर पर। इसे IMDb रेटिंग देती है 8.3 out of 10 और इसे आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर टू पर आती है द फैमिली मैन। वेब सीरीज की कहानी
फिर होती है श्रीकांत तिवारी से, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी है और साथ ही वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का सीक्रेट एजेंट भी होता है, जिसकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और वो अपनी ड्यूटी और फैमिली दोनों को कैसे मैनेज करता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज वन ऑफ द बेस्ट है, इसका मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। टोटल 10 एपिसोड के साथ है वेब सीरीज। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन ड्रामा और कॉमेडी पर। दोस्तों वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, जिसका हमें सीजन 2 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 8.6 out of 10 और इसे आप डायरेक्टली Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर वन पर आती है स्पेशल ऑप्स। वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है एक ऑडिट से, जहाँ एक सीनियर रॉ एजेंट हिम्मत सिंह अपने एजेंट्स और अपने मिशन पे किए गए एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन देते हैं। हिम्मत सिंह के अकॉर्डिंग 2001 के पार्लियामेंट अटैक में 5 नहीं 6 लोग शामिल थे और उस छठे आदमी को वो कैसे भी ढूंढना चाहते हैं, और इस मिशन के साथ आप टेरर अटैक के पीछे की पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को बहुत ही डिटेलिंग से देख पाओगे। वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट है और मेन कैरेक्टर हिम्मत सिंह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी हॉलीवुड वेब सीरीज से कम नहीं है। वेब सीरीज बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर पर। टोटल 8 एपिसोड के साथ है वेब सीरीज, जिसे IMDb रेटिंग देती है 8.6 out of 10 और इसे आप डायरेक्टली हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर आज का हमारा ये काउंटडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।